हेलो एवरीवन, आज हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे जो कि 16 सितंबर की है और 71B है। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्र का हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाना था। आज हम प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में जाना संभव हो चुके हैं। तो परंतु बच्चों, ये पृथ्वी एक स्थान है जो कि दूसरे स्थान पर जाने व रहने जितना आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले महीनों तक अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वस्तु व प्राणी एक स्थान पर टिक सकते हैं। तो आइए अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े कुछ दिलचस्प बातों को जानते हैं। प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण चीजें वह रूम दिखा रखे हैं, आप इन्हें बताएंगे संकेत बॉक्स से। चालक कक्ष ऑप्शन में शौचालय है, व्यायाम है, सोने की जगह है, स्पेस सूट है व नहाने का कक्ष है। तो ये पहले पिक्चर क्या है? शौचालय। दूसरा, ये आप एक सूट टाइप का देख सकते हैं, तो ये होता है स्पेस सूट। तीसरा, ये चालक कक्ष है। चौथा, ये नहाने की जगह है। ये व्यक्ति आपको नहाता हुआ दिख रहा है, ये नहाने की जगह है। ये पांचवा, सोने की जगह है, इस तरह से लोग सोते हैं। और ये छठी, व्यायाम की जगह है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले वैज्ञानिकों को एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें यात्रा के समय तालमेल स्थापित करने में सुविधा हो। वह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष व पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। बच्चों, इसी अंतर को आप लिखेंगे। तो अंतरिक्ष यान में जीवन, हम एक जगह पर टिककर काम करना पड़ता है। पृथ्वी पर जीवन, स्वतंत्र जीवन जीते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। तो आप इस तरह से ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।